if x, y, and z are three real numbers such that x plus y plus z equal to 4 and x square plus y square plus z square equal to 6, then show that each of x, y, and z lie in the closed interval 2 by 3 to 2. ये प्रूव करना है. तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है ना, x, y, z. यहाँ x, y, z देखो, यहाँ पे लिखते हैं पहले x plus y plus z equal to 4 है और यहाँ पे x square plus y square plus z square equal to 6 है. तो इसको हम सॉल्व कभी करेंगे जब वेरिएबल थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट वाले से z का वैल्यू है वो सेकंड में रख देंगे. z equal to आ जाएगा 4 minus x minus y, यहाँ पर रखेंगे तो होगा x square plus y square और z के प्लेस लिखेंगे 4 minus x minus y का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 है. ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो होगा x square plus y square, यहाँ होगा 16 और plus x square plus y square minus 8x plus 2xy minus 8y equal to 6. ठीक है, तो इसको देखो y में बनाते हैं क्वाड्रेटिक, तो x का वैल्यू मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है x, y जो तीनों का तीनों रियल नंबर है, तो y बनाएंगे क्वाड्रेटिक और फॉर रियल सॉल्यूशन डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0 करेंगे. तो y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो 2y square plus y square, ये होगा 2y square और y वाला टर्म कहाँ का है, y वाला टर्म है यहाँ 2xy और 8y, तो प्लस लिखेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो x minus 4 ऑफ y बाहर आ जाएगा. इसे ये y हो गया, इसका क्या क्या बचा है, x square, x square, तो ये हो जाएगा 2x square और minus 8x है ना, यहाँ पे देखो minus 8x है तो लिखेंगे minus 8x और क्या बच गया, कॉन्स्टेंट मतलब 16 और इक्वल टू 6 है तो प्लस 10 हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0. अब देखो 2 कॉमन आ रहा है सबसे, 2 कॉमन ले लेंगे तो y square कॉमन लेकर डिवाइड कर देंगे, y square plus x minus 4 of y और यहाँ पे होगा x square minus 4x plus 5 equal to 0. अब y का जो वैल्यू है वो रियल है, तो y रियल होने के लिए इस y क्वालिटी इक्वेशन जो बना है उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा. अब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल 0 करते हैं तो ये होगा x minus 4 का, x minus 4 का होल स्क्वायर minus 4 into x square minus 4x plus 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x square minus 8x plus 16 minus 4x square plus 16x minus 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ से हो जाएगा ये माइनस 3x स्क्वायर और 16x माइनस 8x प्लस 8x 16 माइनस 20 माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक, तो ये पॉजिटिव बना लेते हैं, एक्स पर एक्स पर कोफिशिएंट, ये होगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल 0 क्योंकि माइनस 1 से इनटू कर दिए. ठीक, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3x स्क्वायर और 4 इनटू 3 12 हो गया, 6 और 2 तो माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0. देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं एक्स माइनस 2 बना एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर बना 3x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0. ठीक, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 2 बाई 3, यहाँ से आ जाएगा 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, चलिए क्या यहाँ से क्या चलेगा नेगेटिव, अगर 2 बाई 3 से लेकर 2 तक इक्वल टू है तो लिख देंगे x बिलोंग्स टू 2 बाई 3 से लेकर 2 तक. देखो x का वैल्यू आ गया. अब देखो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ था x, y, z में तीन वेरिएबल में, ये सब का सिर्फ जो सब है, जैसे x का जो पोजिशन है वही y का पोजिशन है, वही z का पोजिशन है, मतलब जिस तरीके से हम लोग x फाइंड किए उसी तरीके से y भी फाइंड कर सकते हैं, उसी तरीके से z भी फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये सब सारा पैटर्न सेम है, तो बस सिमिलरली लिख देना. तो लिख देंगे सिमिलरली y also belongs to 2 by 3 to 2 and z also belongs to 2 by 3 to 2. ठीक है, क्योंकि सब पैटर्न सेम है, जैसे यहाँ पे हम लोग z equal to x और y के टर्म में निकाल कर रखें, यहाँ पे ना उसी तरह से हम y का वैल्यू निकाल कर रखेंगे x और z के टर्म में, x और z के टर्म में रखेंगे z में क्वालिटी बने तो इसका वैल्यू मिल जाएगा या x में क्वालिटी बने z का वैल्यू मिल जाएगा, इस तरीके से इसको बनाना है. ठीक है, आगे समझ में. ओके.